इस आत्मा की तरफ हमने तो देर के हो, हमने सारा के सारा ज्ञान हमारे इस जीवन को, हमारे इस शरीर को जीवन में रहने के साथ सुख सुविधाओं के तक निमग्न कर दिया, लगा दिया और किसी में रमन करना आरंभ कर दिया। और जिस वस्तु को देखना है, जिस चीज को देखना है, उसको हम भूल गए। हमने एक नियम बनाया कि हमको इस संसार में रमन करना है, हमारे को अत्यंत सुख सुविधा संपूर्ण योग मिले, हमारे सामने भोगों का भी विचार बना है और जिसके अंदर हम उतर करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सके, परंतु दुख उपार्जित करने के लिए हम आगे निकल रहे। मेरा मानना है या जैसा कि सभी मानते हैं कि यह संसार दुखों का सागर है, हमने संस्कार संस्कार को ही दुखों का सागर बनाया, परंतु इसके अंदर असीम सुख भरेंगे। ये तो हमारे ऊपर निश्चय करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस संसार में जहां एक टीचर है तो दूसरी तरफ न पूरी करेंगे। आपको किस मार्ग में करना है, आपको क्या है, इसके लिए ना कोई उदाहरण से बताए जिस प्रकार मैंने संसार को टीचर माना और मेरी दृष्टि में संसार टीचर नहीं है, ये दुखों का सागर नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहां इस संसार में जन्म लेने के बाद नाक की गति पाते हैं तो हम मोक्ष की तरफ दूरी से जाते हैं, इसलिए संसार दुखों का सागर नहीं हो सकता। और भी तो हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे योग जिस तरफ ले जाते हैं वो दुखों का कारण होता है। एक टीचर से भरा हुआ कटक है, एक सट्टा है, उसने टीचर से ऊपर तक टीचर भरा हुआ और तो लाभ उसके पास रहने के लिए आपको सह सकती नहीं, इतना तो उसका टीचर भरा गया है, परंतु उस गले के अंदर एक रत्न पड़ा, बहुमूल्य रत्न पड़ा है और आपको उस रत्न की आवश्यकता है, आपको रत्न चाहिए। वो परंतु टीचर के गले में नीचे आपको क्या करना है, उस रत्न को पाने के लिए आपको टीचर में उतरना ही पड़ेगा, टीचर को के बिना आप उतर नहीं पा सकते। परंतु जो टीचर उतर करके उस रत्न को ले लेता है और संपूर्ण आयोजित टीचर को पूर्ण कर देता है और वापस आ जाता है, उस टीचर सने बड़े तरीके से आ जाता है, ऐसा व्यक्ति रत्न तो बन जाता है। परंतु जो टीचर में लिप्त हो जाता है, टीचर में सवार आता है, और हम अपना अवसर भी
किसी प्रकार का उसके अंदर भेद नहीं आएगा और नहीं आएगा, जैसा हमें कैसे उसने दिखाई दिया, परंतु यदि उसके ऊपर ओस की बूंद चली जाए, उसके ऊपर धूल मिट्टी चली जाए, उसके ऊपर पानी गिरा दिया जाए और उसके बाद अगर चेहरा के लिए तुम्हारे सारे सारा विकृत चेहरा नहीं देगा, जैसा वैसा दिखाई नहीं देगा। ये बात हमारे जीवन के लिए लिखा हूं। हम कहते हैं कि हमारी आत्मा बिल्कुल शुद्ध रहती है, उसके ऊपर किसी प्रकार की गलती नहीं छा, वो गलती नहीं होती, वो हमेशा शुद्ध है। Thank you.
आप उस
वाले के बीच का जो इंकार है जिसको आपने जीवन माना है वो आपको इस जीवन में इस प्रकार के भोग विलास से मुक्त करके आपको अपने जीवन को तीव्र बनाना है या इस जीवन को सफल बनाने के लिए आपको धर्म मारा था अपने संस्कार को उच्चित कर और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे मान सकते हैं। ये हमारे इन बारह चीजों से
Thank you.